वन एंड इन दिस ई वी एस लेक्चर वी विल कंटिन्यू द चैप्टर हमने कल कौन सा चाप्टर शुरू किया था सेफ़्टी फर्स्ट और कल हमने पढ़ा था रूल्स ऑन द रोड की रोड पर हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए एंड बस uh, में हमें अपनी सेफ्टी कैसे रखनी है तो आज हम पढ़ेंगे सेफ्टी एट होम आप अपने घर पर कैसे सेफ रह सकते हो और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए So let's begin. First point is डो नॉट प्ले विद शार्प थ लाइक ब्लेड्स एंड नाइव्स हमें शार्प थिंग्स शार्प क्या होता है जो तीखी होती है ना लाइक नाइफ होता है आपका चाकू होता है वो कितना शार्प होता है अगर वो आपके कहीं भी लग जाए तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है ना कट लग जाता है एंड यू विल गेट हर्ट तो इसी लिए शार्प थिंग्स के साथ ब्लेड्स होते हैं नाइव्स होते हैं उनके साथ नहीं खेलना चाहिए जैसे इस पिक्चर में आप देख रही हो ना इस बच्चे को क्या है दिस इज़ ब्लेड इसको अगर ब्लेड लग गया इसके ब्लड आने लग गया ना सो यू विल गेट हर्ट तो आपको कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज डो नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेज इलेक्ट्रिक स्विच हमारे घर पर जितने भी स्विचेस होते हैं ना आप लाइट ऑन करते हो फ टर्न ऑन करते हो कुछ भी करते हो जितने भी स्विचेस होते हैं ना या वायर्स होती हैं वायर्स मीन्स तार कोई भी जैसे आप आयरन करते हो आयरन वाली कोई वायर है या किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी वायर है तो उसको कभी भी वेट वेट होता है गीले गीले हैंड्स के साथ हमें वेट हैंड्स के साथ हमें टच नहीं करना चाहिए क्योंकि क्या होता है फिर शॉक लग सकता है ना करंट लग सकता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए थर्ड पॉइंट इज डू नॉट प्ले विथ फायर और फायर क्रैकर्स फायर आप किचन में हो आप अभी जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो किचन में जाते हैं तो उनको नहीं पता ना दे उनको फायर के बारे में इतना नहीं पता होता तो कोई भी मतलब इंसिडेंट कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है फायर के साथ या जब आप पटाखे चलाते हो फायर क्रैकर्स बर्न करते हो आप फायर क्रैकर्स क्या होते हैं पटाखे दिवाली पे लोग पटाखे चलाते हैं ना तो क्या होता है आप जैसे इस पिक्चर में देख रही है पटाखा चला रहा है एक फट जाएगा अगर आप यहाँ से नहीं कहीं और गए तो ये क्या है आपको हर्ट होगा ना फिर अगर ये फट गया आपके कहीं भी किसी भी तरह से आपको चोट लग गई देन आपको क्या है हर्ट होगा तो इसीलिए आपको फायर और फायर क्रैकर्स के साथ कभी भी नहीं खेलना चाहिए द फोर्थ पॉइंट इज डू नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम द रूफ विद नो बाउंड्री वॉल्स कभी भी रूफ होता है छत तो कभी भी जैसे आप काइट काइट्स उड़ाते हो ना हमें अच्छा लगता है काइट उड़ाना तो वो क्या है कभी भी ऐसी जगह पे नहीं उड़ाना चाहिए जहाँ क्या है बाउंड्री वॉल्स मतलब बाउंड्रीज़ ना बनी हो क्योंकि फिर आप क्या है रूफ़ से गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ठीक तो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन कभी भी मेडिसिन खुद आप मेडिसिन ले रहे हो अभी आप छोटे हो आपको किसी भी मेडिसिन की कोई नॉलेज नहीं होती है तो जब भी आपको मेडिसिन लेनी है आपको अपने पेरेंट्स से या आप स्कूल में आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो आप हमेशा टीचर से पूछ के मेडिसिन लेनी चाहिए हमेशा कभी भी खुद से आपको कुछ भी पेन हो रहा है या यू यू आर फीलिंग लाइक आपको स्टमक एक है हेड एक है कुछ भी हो रहा है तो खुद से कभी भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए लास्ट पॉइंट इज डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर और आप जब खिलौने क्या है खेलते हो ना आप घर पे तो कभी कभी क्या होता है आप टॉयज ऐसे ही छोड़ देते हो फ्लोर पे तो उससे क्या हो सकता है सपोज आपने कोई भी टॉय ऐसे फेंक दिया वो टॉय भी ख़राब हो सकता है या फिर आप कुछ ऐसा जैसे आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो कोई आया ठीक है आपके पास और आपने सडनली उसको नहीं पता कि आपका टॉय पड़ा है या आप खुद हो तो आपका पैर वहाँ से स्लिप हो सकता है कुछ भी हो सकता है ना तो हमेशा टॉयज़ को उनकी जगह पर ही रखना चाहिए आपने जब भी आप में कोई भी गेम खेल रहे हो कुछ भी खेल रहे हो तो जब आपकी गेम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको अपने टॉयज़ को उनकी जगह पर रख देना चाहिए नेवर लीव योर टॉयज़ ऑन द फ्लोर सो नाओवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी इन द प्ले ग्राउंड प्ले में प्ले आप स्कूल में ग्राउंड्स में खेलते हो घर पे गार्डन्स में खेलते हो तो आपको हम प्ले ग्राउंड में कौन कौन से रूल्स हैं जो फॉलो करना चाहिए द फर्स्ट वन इज़ ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स एंड प्ले फेयरली हमेशा गेम्स में कुछ कुछ भी आप खेल रहे हो कोई भी गेम खेल रहे हो फुटबॉल है कोई भी गेम है हमेशा रूल्स को फॉलो करना चाहिए जो भी उस गेम के रूल्स हैं प्ले फेयरली प्ले फेयरली मीन्स चीटिंग नहीं करनी चाहिए फेयर गेम खेलना चाहिए हमेशा नेक्स्ट इज नेवर पुश और पुल अदर्स वाइल्ड प्लेइंग जब भी आप खेल रहे हो कभी भी किसी को पुश मतलब कभी भी किसी को धक्का नहीं देना है किसी को पुश नहीं करना है किसी को पुल नहीं करना है जैसे आप स्विंग्स पे खेलते हो तो इससे क्या हो सकता है किसी को भी चोट लग सकती है and the third point is never stand in front of swings कभी भी swings के सामने नहीं खड़े होना चाहिए जैसे suppose आप slide ले रहे हो आप slide के सामने जाके खड़े हो जाए ओ, 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 खड़े हो गए हो तो कोई भी बच्चा slide लेके आ रहा है वो क्या आप वो नीचे आ रहा है स्लाइड से और आप उसके सामने खड़े हो तो क्या आपको ही चोट लगेगी वो आपके ऊपर गिर जाएगा ना तो नेवो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्विंग्स नेवो स्टैंड और पुश एनी वन वाइल प्लेइंग ऑन द स्लाइड मैंने अभी आपको बताया जब आप स्लाइड कोई भी स्लाइड वाला आपको कोई भी झूला ले रहे हो तो सबसे पहले तो किसी को भी स्लाइड से कभी धक्का नहीं देना चाहिए किसी को भी पुश नहीं करना है क्योंकि इससे क्या है उसको भी चोट लगेगी आपका कुछ आपको कोई हार्म नहीं होगा बट आपको पनिशमेंट तो मिलेगी ना फिर और सामने वाले को कितनी भी जोर से चोट लग सकती है तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए नेवर स्टैंड और पुश एनी वन वाइल प्लेइंग ऑन द स्लाइड सो दीज आर द फ्यू टिप्स जो आपको घर में फॉलो करनी चाहिए प्ले ग्राउंड में फॉलो करनी चाहिए ताकि आप सेफ रहो सो आई होप आपको क्लियर हो गया है हाउ यू कैन कीप योर सेल्फ सेफ एट होम एंड इन द प्ले ग्राउंड सो